सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने को भी कहा। रजिस्ट्रेशन जिला और प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो घर लौटे मजदूरों के लिए रोजगार हो, यह सुनिश्चित करना होगा सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, अप्रवासी मजदूरों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, तो उस पर एक बार आज फिर सुनवाई हुई। तो पिछले मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के हाथ में कुछ फैसला सुनाया था, कुछ आदेश दिया था। आज जब सुनवाई हुई तो वहां केंद्र सरकार की तरफ से विस्तार में ब्यौरा दिया गया कि किस तरह से कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया है। राज्य सरकारें विस्तार से अपना अपना ब्यौरा दे रहे थे। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 28 लाख अप्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि जितने अप्रवासी मजदूर जिन राज्यों में वापस लौटे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, और उनकी स्किल मैपिंग कराया जाए और वहीं पर उनके राज्य में कोशिश किया जाए कि उनको रोजगार सृजन की कोशिश की जाए। उसी में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि जो 28 लाख लोग आए हैं उनमें से 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई है और राज्य सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का अब आशय ये था कि जितने अप्रवासी मजदूर गए हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, रोजगार की दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा। राज्य सरकार उसके लिए कोशिश करें और राज्य सरकार उनको स्थानीय रोजगार मुहैया कराए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अप्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं अगर उन्हें अपने फिर उनको शहरों में जाना है तो उसके लिए भी राज्य सरकारें नहीं रोकेंगी, उनको सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी अहम बात हुई है कि राज्य कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अप्रवासी मजदूर अभी भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं और लौटना चाहते हैं वो 15 दिन के भीतर वो राज्य अपने अपने अप्रवासी मजदूरों को वापस बुला लें ताकि कहीं मजदूर किसी मुसीबत में ना। ठीक है प्रभाकर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।